उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ वर्ष पहले तक चुनाव न केवल जाति के आधार पर वोट मांगे जाते थे, यूपीए के दौर में केवल चेहरा देखकर ही योजनाओं का लाभ दिया जाता था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं, अब विकास की बात की जाती है, बिना भेदभाव के नागरिकों तक योजनाओं का लाभ पहुँचाया जाता है। वे सोमवार को फ्रेंड्स कॉलोनी के शिवाजी चौक पर आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे। भाजपा उम्मीदवार नितिन गडकरी, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष संजय भेंडे, पूर्व राज्य मंत्री परिणय फुके, पूर्व विधायक सुधाकर देशमुख, पूर्व महापौर संदीप जोशी, माया इवनाते एवं दयाशंकर तिवारी इस समय उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की पहचान पहले उपद्रव प्रदेश के रूप में थी, लेकिन अब वहां दंगे नहीं होते। अपराधियों को पता है कि अब दंगा करने पर कार्रवाई होगी, अब नागरिक नहीं अपराधी पलायन करते हैं। उत्तर प्रदेश में आज कानून व्यवस्था का राज है। उन्होंने कहा कि अगर योग्य पक्ष को मतदान नहीं किया तो केवल उपद्रव सहन करना पड़ता है। योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गडकरी ने नागपुर सहित पूरे देश में वैश्विक स्तर की ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। उन्होंने कहा कि वे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भूमि से आए हैं। इस बार 500 वर्ष बाद रामलला ने यही सही अर्थ में होली खेली। कांग्रेस सत्ता में होते हुए यह संभव नहीं होता। जिस पावन धरा ने अनेक महापुरुष दिए हैं, महाराष्ट्र के धरा छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांति ज्योति सावित्री बाई फुले, महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, राजर्षि साहूजी महाराज जैसे पवित्र आत्माओं को देने वाली भूमि है, अनेक संतों को देने वाली भूमि है। इस पावन धरा को नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं उत्तर प्रदेश की धरती से आया हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन धरा से, और यहां पर मैं देख रहा हूं उत्तर भारतीय संघ से जुड़े हुए भी पदाधिकारी और काफी बड़ी संख्या में जनता जनार्दन भी उपस्थित है। मैं आज जहां भी गया महाराष्ट्र के अंदर, एक ही आवाज मुझे सुनाई दे रही थी, और वो आवाज थी जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यानी एक ही भजन चल रहा था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बहनों और भाइयों, आप देखते होंगे कि हमारे यहां होली का आयोजन होता है। होली के आयोजन में हर बार एक गाना बजता था, और वह गाना बजता था अयोध्या के बारे में कि होली खेले रघुबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा। लेकिन 500 वर्षों तक रामलला ने अयोध्या में होली नहीं खेली। 500 वर्षों के बाद यह सौभाग्य का अवसर आया जब अयोध्या में रामलला ने भव्य होली खेली, और इस बार खेली है। मैं पूछना चाहता हूं बहनों भाइयों, अयोध्या धाम में रामलला के द्वारा जो भव्य होली खेली गई, हमारी पीढ़ियां उसके माध्यम से तरी होंगी, क्योंकि प्रभु का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो रहा होगा। तो हमारी पीढ़ी तो सबसे सौभाग्यशाली है। हमारे पूर्वज जिस कार्य को अपनी आंखों से तरसते, देखने के लिए तरसते थे, वह कार्य हमने अपनी आंखों के सामने देखा है। अयोध्या में प्रभु रामलला को विराजमान होते हुए देखा है।
नितिन गडकरी ने कहा कि नागपुर में देश का लॉजिस्टिक कैपिटल बनने की क्षमता है, जल्द ही नागपुर एविएशन हब के रूप में उभर कर सामने आएगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। योगी आदित्यनाथ ने वह ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराई। अब अयोध्या की पहचान पूरे विश्व में आदर्श शहर के रूप में होगी। नेतृत्व में फिर से एक बार हमारी सरकार बनानी है और 400 पार एनडीए को पहुंचाना है, इस बात के लिए आप आशीर्वाद दीजिए। यही प्रार्थना मैं आप सब से करता हूं। मुझे और 10 बजे के पहले 3 सभा तय हुई है और इसलिए योगी जी से मैं प्रार्थना करूंगा, क्षमा मांगूंगा कि उनका भाषण जब होगा तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा। उनसे अनुमति मैंने ली है। मैं फिर से एक बार आपसे प्रार्थना करूंगा कि योगी जी के विचार, वो पहली बार हमारे नागपुर में आए हैं, आप जरूर सुनिए, उसकी प्रेरणा आप सबको मिलेगी और उसका जरूर फायदा उठाइए। यही आपको आह्वान करता हूँ। योगी जी को फिर से एक बार आप सब की ओर से, नागपुर की जनता की ओर से, हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।